तो देखिए हमने जो है यहाँ पे जो है पहले भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत से वीडियो यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम जो है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी फीचर हैं उसको जो है जानना होता है। तो पिछले क्लास तक हमने क्या जाना हुआ था, यहाँ पे जितना भी इसका फीचर है वो जाना हुआ था पिछले क्लास में इसके, मतलब जैसे अभी नेक्स्ट क्लास में जा, अभी हम क्या जानेंगे यहाँ पे मोर फीचर्स किसका, टास्क बार का। ठीक है, पिछले क्लास में हमने पिन अनपिन ये सब बता दिया था, तो अगर आप नहीं जानते हैं तो जाइए पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, आपको जो है अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे मोर टास्क बार फीचर, यानी कि जो ये टास्क बार, मैं आपको पहले बता दूँ कि आपका जो डैशबोर्ड है इसमें दो भाग होता है, ये एक एरिया ये होता है, ठीक है, और एक एरिया जो है आपको यहाँ पे नीचे शो हो रहा होगा। ठीक है, यह हमारा क्या होता है, टास्क बार होता है। तो देखिए इसमें जो है कुछ फीचर होते हैं इसके भी, तो यही हमको जानना होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मोर फीचर्स, मोर टास्क बार फीचर्स, तो इसमें क्या होता है, द एडिशनल टास्क बार आइकन, यानी कि एडिशनल टास्क बार आइकन क्या होता है, जो आपके टास्क बार में पहले से मौजूद हो। यानी देखिए एग्जांपल में यहाँ पे दिखाया भी गया है, जैसे हमारे यहाँ पर क्लॉक हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा, एक्शन सेंटर हो जाएगा, ये हमारा वॉल्यूम है, ये हमारा नेटवर्क का है, और यहाँ से हम और भी चाहे तो एड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए आपको दिखा देते हैं, इसको हम करते हैं क्लोज, और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा क्या क्या चीज़, यहाँ पे आपका टाइम शो हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे जैसे ही माउस रखिएगा तो ये हमारा बैटरी शो हो रहा है यहाँ से, और यहाँ पे जो है हमारा वॉल्यूम शो हो रहा है, उसके बाद में ये हमारा नेटवर्क का है, ठीक है, ये हमारा एक्शन सेंटर होता है, और इसमें जो है आपको सभी आइकन जो है जो अभी एक्टिव है और भी यहाँ पे सब दिखाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में और भी जान लेते हैं कि इसमें आखिर बेसिकली होता क्या और भी। तो यहाँ पे कह रहा है शो डेस्कटॉप, यानी कि उसको जो है हम डेस्कटॉप पे कैसे शो करेंगे, टू पिक एट द डेस्कटॉप विदाउट क्लोजिंग विंडोज। ठीक है, तो यानी कि इस पर हम क्या करेंगे, पिक कर देंगे बिना विंडो को क्लोज किए हुए। ठीक है, तो देखिए इसमें हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन है, अभी जो है हम दूसरा फीचर जानने वाले हैं, लेकिन जब इसको जो है हम मतलब इसके मोर फीचर्स के बारे में जानने वाले हैं तो इसमें कुछ डीपली से आपको बता देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ आइकन शो हो रहा है, चार आइकन है, जैसे यहाँ पे पाँच आइकन, एक जो है यहाँ पे टाइम का है, बैटरी का है, वॉल्यूम का है, और नेटवर्क का है, और एक्शन सेंटर का है। तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें और आइकन हम क्यों नहीं ऐड कर सकते या कैसे ऐड करेंगे, तो मैं आपको ये बता देता हूँ इसके लिए क्या कीजिएगा, मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको जो है आइकन जो शो हो रहा है, टाइम का है, बैटरी का है, वॉल्यूम का है, ये आपका नेटवर्क का है, ये एक्शन सेंटर का है। ठीक है, और मैंने अभी जो है यहाँ पे एक जूम आईटी चालू किया है तो उसका यहाँ पे आ गया है। ठीक है, आप चाहते हैं कि इसमें से किसी भी आइकन को हाइड कर देना या शो करना, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक एरो दिख रहा होगा, शो यहाँ पे लिखा है शो हाइडन आइकन। ठीक है, तो सिंपली आप क्या कीजिए, इस पर क्लिक कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे भी कुछ आइकन यहाँ पे शो हो रहा है जो कि हमारा एक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटेल का ये प्रोसेसर दिखाएगा, उसके बाद में अपडेट का यहाँ पे दिखाएगा, ये आपका नेटवर्क का दिखा रहा है, यहाँ पे आपको अपडेट मैनेजर दिखा रहा है, ये जूम वाला दिखा रहा है, ये जो हमारा एंटीवायरस है उसका दिखा रहा है, और अभी जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर का यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अगर आइकन और भी ऐड करना है इसमें टास्क बार में, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टमाइज में जाएंगे, कस्टमाइज में जाने के बाद में हमको यहाँ पे जो है कुछ ऑप्शन शो होंगे। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन देख रहे होंगे, देखिए इसमें जो है जिस भी ऑप्शन को आपको मतलब यहाँ पे टास्क बार में लाना है उसको क्या कीजिएगा, यहाँ पे शो आइकन एंड नोटिफिकेशन जो है ऑन कर दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो है अभी जो हम रिकॉर्ड से मतलब जो रिकॉर्डर से अभी से मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने स्क्रीन को, इसको हमको लाना है, तो यहाँ पे जाएंगे, इसके ओनली शो नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है शो आइकन एंड नोटिफिकेशन, इस पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, और क्लिक करके कट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा क्या आ गया, जो हमारा
सॉफ्टवेयर है जिससे हम जो है स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका आइकन भी यहाँ पे अवेलेबल हो गया। ठीक है, और फिर इसको हटाना है तो फिर से वहीं पे जाएंगे, यहाँ से कस्टमाइज में जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, जो आइकन हमने ऑन किया था इसको क्या करेंगे, केवल नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे तो हमारा केवल नोटिफिकेशन ही आएगा। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से केवल ऑनली क्या कर लेते हैं, नोटिफिकेशन कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा जो है ये हट गया। तो इस तरह जो है हम किसी भी आइकन को ऐड कर सकते हैं और हटा सकते हैं अपने जो केस में टास्क बार में से। अब चलिए नेक्स्ट क्या चीज़ कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि शो डेस्कटॉप। शो डेस्कटॉप यानी कि ये क्या होता है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि टू पिक एट द डेस्कटॉप विदाउट क्लोजिंग विंडोज। फर्स्ट नंबर में आपको कह रहा है कि हाइवर द डेस्कटॉप विदाउट क्लोजिंग विंडोज। उसके बाद सेकेंड में कह रहा है कि द विंडोज विल बिकम ट्रांसपेरेंट अलाउ यू टू सी द डेस्कटॉप। उसके बाद में क्या कर रहा है, थ्री में क्लिक द शो डेस्कटॉप बटन टू क्लोज द विंडोज। और यहाँ पे कर रहे हैं कि क्लिक अगेन एंड द विंडोज विल बी रिटर्न। यानी कि आपको ये समझ में नहीं आएगा, चलिए हम बता देते हैं। आपको मैंने पिन और अनपिन करना बता दिया था। जैसे मान लो पिन करना है हमको इस मतलब एक्सेल को, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंटर लेके जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से लिखा हुआ है यहाँ पे पिन टू टास्क बार, इस पर हम क्या करेंगे क्लिक करेंगे तो हमारे जो है यहाँ पे टास्क बार में आ जाएगा। तो यहाँ से हम दो तीन एप्लीकेशन को क्या करते हैं, पहले पिन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे पिन कर लेंगे। आप चाहे अंदर से भी पिन कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे पिन कर लिया, तो इसके कहने का मतलब पहले तो आपने जो है यहाँ पे एप्लीकेशन को क्या कीजिएगा, पिन कर लीजिएगा। अब जो है इसको क्लोज भी कर सकते हैं। क्लोज कैसे करेंगे, क्लोज करने के लिए आपको ओपन नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ही यहाँ पे जो पिन किए हुए हैं, आपको जो एप्लीकेशन यहाँ पे पिन लिख रहा है टास्क बार में, यहाँ पे क्या करना है, ले जाके आपको राइट क्लिक करना है और देखिए यहाँ पे अनपिन का ऑप्शन है। जैसे ही आप अनपिन कहेंगे तो ये जो है एप्लीकेशन हट जाएगा। या जैसे मान लीजिए कि आपको जो है यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसका भी एक रीज़न है, जो हम अनपिन करते हैं जो पिन करते हैं उसको केवल अनपिन करने का ऑप्शन आता है। जैसे हम इसको क्लोज कर लिए, ओपन कर लिए, ओपन करने के बाद मिनिमाइज कर लेते हैं, या इसको भी ओपन करते हैं और इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। चलिए एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं। ये भी हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया। अब जैसे ही हम इस पे राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्लोज विंडोज का ऑप्शन आया है, आ रहा है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लिक ऑन द शो डेस्कटॉप आइकन टू क्लोज द विंडोज। यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्लोज विंडोज पे क्लिक कर देंगे तो हमारा क्या होगा, जो विंडो ओपन है वो हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन दिखा रहा है। और मान लीजिए कि हमको फिर से इसको रिटर्न ओपन करना है, जैसे यहाँ पे हमारा टास्क बार में है तो इसको हमने बता दिया था कि ओपन कैसे करेंगे। जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ से मिनिमाइज करेंगे, या हमारा जो होता है एरिया होता है, मतलब कोई भी एप्लीकेशन इंटरफेस का, इसमें हमारा ये क्रॉसिंग एरिया यानी कि क्लोज होता है, ये मैक्सिमाइज होता है और ये जो होता है मिनिमाइज होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, क्लोज करना है तो यहाँ से करेंगे, मिनिमाइज करना है तो यहाँ से करेंगे। जब भी मिनिमाइज करेंगे तो ये हमारा किस में, टास्क बार फीचर में आ जाएगा। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि इस पर एक बार क्लिक करेंगे फिर से हमारा एप्लीकेशन जो है ओपन हो जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिटर्न आ जाएगा। यहाँ पे आपको शो करके दिखाया भी गया है, आप एक एग्जांपल को लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, क्लोज कर लेते हैं। अब आता है यहाँ से एक्शन सेंटर। तो ये एक्शन सेंटर होता क्या है, चलिए इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्या है पूरा बता देंगे। तो यहाँ पे एक्शन सेंटर में क्या कह रहा है, ये आपको सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बनाया गया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ओल्डर वर्जन ऑफ विंडोज हैड पेस्की पॉप अप नोटिफिकेशंस दैट अपीयर्ड व्हेनेवर देयर वर ए सिक्योरिटी इशू और वार्निंग रिगार्डिंग एन एक्शन यू क्रिएट टास्किंग विंडोज 7 अलाउ यू टू कस्टमाइज
how often you view these notification through the action center, यानी कि इसमें क्या कहता है, चलिए इस पूरा पढ़ते हैं कि the action center icon is the task bar will allow you to view and take action on many notification you have received, यानी कि जो ये आपको एक्शन सेंटर मिलेगा, ये आपका एक्शन सेंटर होता है। देखिए यहाँ पे इमेज भी दिखाया गया है और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा हमारे इसमें जो है, ये जो होता है एक्शन सेंटर होता है। देखिए इस पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्शन सेंटर बता रहा हूँ। तो बेसिकली ये क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताया गया है कि आपको केवल ये जो है विंडो 7 में दिखाई देगा, विंडो 10 में आपको शो नहीं होगा, ठीक है। और ये आपको सिक्योरिटी पर्पज के लिए बताया गया है, यानी कि कोई भी अगर मैसेज आता है तो वार्निंग देगा यहाँ से और वो जो है नोटिफिकेशन आपको कस्टमाइज करेगा, ठीक है। अब कैसे करेगा, चलिए इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम एक्शन सेंटर पे, ठीक है, ओपन एक्शन सेंटर पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको ट्रबल शूट मतलब क्या होता है, जो भी हमारी सिस्टम में या जो भी हमारी सिक्योरिटी में खराबी होता है उसको ये क्या करता है, फिक्स करता है प्रॉब्लम को। यहाँ पे कह रहा है फाइंड एंड फिक्स प्रॉब्लम, ये क्या करता है आपके प्रॉब्लम को खोजता है और उसको क्या करता है, ये फिक्स करता है। उसके बाद में रिकवर भी करता है आपके डाटा को जो होता है, रिटर्न योर कंप्यूटर टू एंड एट अ टाइम, यानी कि मान लीजिए कि आपका यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो उसको ये फिक्स करके क्या करता है, आपके डाटा को रिकवर भी करता है। तो यहाँ पे मेनली मतलब ये जो है एक्शन सेंटर का मेनली काम जो होता है सिक्योरिटी पर्पज के लिए बनाया गया है। इसमें क्या होता है, ये सिक्योरिटी यूज करता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया है, इसके बाद देख लेते हैं। ये आपका होता है पर्सनलाइज योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड एंड थीम, ये आपके लिए बहुत मतलब अच्छा चीज़ है जानना, यानी कि जो हमारे यहाँ पे थीम दिख रहा है विंडो 7 का, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, अपना फोटो कैसे लगाएंगे, मतलब ए टू जेड जितनी इसमें जानकारी होती है वो जो है हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अभी जो है इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इस सब के बारे में जानेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।